लाहौर में रायविन रोड पर सीनियर सहाफी इम्तियाज़ आलम के घर डकैती की वारदात के दौरान 6 डाकू सरकारी गनमैन को रस्सियों में बांधकर लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी ले गए और जेवरात भी लूटकर फरार हो गए। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। लाहौर में नॉन स्टॉप डकैती का सिलसिला जारी है और ये रायविन रोड पर ये एक निजी हाउसिंग कॉलोनी थी जहाँ पर ये वाकया पेश आया। 6 डाकू जो थे वो सीनियर सहाफी इम्तियाज आलम के घर में घुसे हैं और यहाँ पर एक पुलिस एहलकार जो गनमैन था उसका उससे गन छीनी है, उसको बंद है और उसके बाद घर के अंदरूनी हिस्से में चले गए हैं। वहां पर जाकर उन्होंने पहले खाना को यरगमाल बनाया है और उनको यरगमाल बना के कैश डॉलर्स यूरो और जेवरात जो है वो लूटने के बाद तसल्ली से ही उन्होंने 2-3 घंटे ये वारदात की है और वारदात करने के बाद अहले खाना को एक कमरे में बंद किया है और बंद करके फरार हो गए हैं। उसके बाद फिर मुकामी जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला दी है, पुलिस मौके पर पहुंची है और अब ये जो वाकया है इसका मुकदमा जो है वो 395 यानी कि हीनियस क्राइम की दफात के तहत अब दर्ज किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने अपडेट किया।